नमस्कार, एमपीसीजी 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने दिनांक 1/9/2020 से 1/10/2020 तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा सांख्यिकी तौर पर 1 करोड़ किलोमीटर रन करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके तहत महानिदेशक महोदय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की प्रत्येक बटालियन को 50,000 किलोमीटर दूरी तय करने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु 208 कोबरा के जवानों एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान के तहत 1,21,562 किलोमीटर का सफर तय किया गया। इस लक्ष्य को हासिल करने में इस बटालियन के 644 जवानों एवं 411 से ज्यादा परिवार के सदस्यों ने अपना सराहनीय योगदान दिया। इस कार्यक्रम के तहत 208 कोबरा बटालियन बड़गांव किरनापुर बालाघाट ने भारत सरकार द्वारा जारी कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए जारी निर्देशों का पालन एवं सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए फिट इंडिया अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अभियान को चलाने का मुख्य उद्देश्य फिटनेस, स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन, हार्ट अटैक एवं चिंताजनक स्थिति को दूर करना है, जिसको ध्यान में रखते हुए 208 कोबरा बटालियन के सभी राजपत्रित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारी, जवानों एवं उनके परिवार के सदस्यों ने 208 कोबरा बटालियन के निकटतम गांव जैसे किरनापुर, आमगांव, बड़गांव, पाला आदि में फिट इंडिया रन अभियान से जुड़ने हेतु जागरूक किया गया, जिसके फलस्वरूप ग्रामीणों ने इस अभियान में भाग लिया। इसी अभियान के अंतर्गत बटालियन मुख्यालय में 1/9/2020 से 1/10/2020 तक अभियान में भाग लिए प्रतिभागियों को श्री अमित कुमार कमांडेंट 2208 कोबरा बटालियन के द्वारा प्रतिभागियों को हौसला बढ़ाने के लिए प्रमाण पत्र से सुशोभित किया गया। इस दौरान अन्य गणमान्य सदस्य श्री नरेश पवार, श्री जफीरुल इस्लाम एवं पाला ग्राम के सरपंच आदि लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके पश्चात इस अभियान में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। कमांडेंट महोदय द्वारा फिट इंडिया रन अभियान का मतलब समझाते हुए यह बताया गया कि व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। उन्होंने यह बताया कि हमारे देश के लोगों की स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को शारीरिक क्षमताएं घटती जा रही है। महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि कोविड-19 महामारी से आज सारा विश्व जूझ रहा है। ऐसे समय में हम सभी का दायित्व बनता है कि हम अपनी स्वास्थ्य के प्रति और ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। ऐसे में हमें अपने और अपने परिवार के सदस्यों का शारीरिक दक्षता बढ़ाने के लिए निरंतर व्यायाम करने की आवश्यकता है। ऐसा करके हम सब मिलकर कोविड-19 जैसी महामारी पर जीत हासिल कर सकते हैं। अंत में कमांडेंट महोदय द्वारा इस बात पर जोर देते हुए कहा कि व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर ही इंसान की असली पूंजी है। सर, ये बताइए, आज कोबरा के बड़गांव 208 है, इसमें आप किस पद से हैं और आज जो कार्यक्रम हुआ है इसका उद्देश्य क्या था? मेरा नाम अमित कुमार है, मैं 208 कोबरा बटालियन का कमांडेंट हूँ। और आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत हुआ है, जिसमें कि भारत सरकार द्वारा पिछले साल इस कार्यक्रम की नींव रखी गई थी और इस साल 1 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में हमें भारत सरकार ने यह लक्ष्य रखा था, लगभग 1 करोड़ किलोमीटर लोग चलें, दौड़ें, फिटनेस मेंटेन करें। तो उसमें हमारे बटालियन ने भी अपना योगदान दिया और हम लोगों ने रेगुलर लेवल पे इस तरह की एक्सरसाइज और दौड़ आयोजित की, जिसका कि आज हम विधिवत रूप से समापन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने लगभग 1,20,000 किलोमीटर हमारी वाहिनी ने दौड़कर पूरा किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर इस फ्रीडम रन के माध्यम से? इस फ्रीडम रन के माध्यम से मैसेज बहुत ही साफ है कि देश तभी आगे बढ़ सकेगा जब हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और स्वस्थ अभी कोविड-19 के इस दौर में, जबकि इस तरह की कई महामारी और संक्रामक बीमारियां फैली हुई हैं, तो उसमें फिटनेस और आपकी खुद की इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। तो इसी संदेश हमारा यही है कि इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने आप को जितना स्वस्थ रखें, निरोग रखें, उतना देश के लिए फायदा।